हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडे बटाटे का सालन। इसे एक पोटैटो करी भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एवरेस्ट का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किए हुए। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये इजीली 5 मिनट्स में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपकी राय हमारे साथ में शेयर करिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 चम्मच तेल गरम के लिए रखा है। इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने एकदम बारीक कट करके लिए है। इसे हम सिर्फ कलर चेंज होने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे। ये देखिए, ये प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर यह आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यूज़ किया और स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 1 मसाला यूज़ करके हम ये चीज़ बना रहे हैं। रेसिपी खाने में बहुत ही यम्मी लगती है, स्पाइसी। थोड़ा मसाले को हल्का भून लेंगे। जब इसको अच्छे से तरी आने लगेंगी, तेल छोड़ने लगेंगे जब ये, तब हम इसमें जो अंडा बॉईल करके रखे हुए वो और आलू डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आलू को हमने इस तरीके से एक ही शेप में कट कर लिए और अंडे को हमने इस तरह से इसका मार्क कर दिए और एक अंडे को हमने इस तरह से किस कर लिए है। ये देखिए, मसाला भी हो गया। अभी हम इसमें ये डाल देते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप इसे अंडे बटाटे का सालन भी बोल सकते हो या तो फिर अंडे बटाटे की ग्रेवी भी बोल सकते हो। ये देखिए, दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है ये। अभी हमने जो ये किसका रखे हुए थे ये डाल देते हैं और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप अंडे को इस तरह से किस कर डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा थोड़ा ग्रेवी टाइप में बनेगा, जो आप चपाती या तो पराठे के साथ में अच्छी तरह से खा सकते हो। अभी हम इसे आधे मिनट के लिए धीमी गैस पर पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। खाने में भी उतना ही स्पाइसी और टेस्टी होगा। ये देखिए, आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हो। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया आप है ना, उसकी जो डंडी होती है उसके साथ में कट करके डालिए, क्योंकि उसकी जो डंडी के अंदर जो खुशबू और टेस्ट होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। चलिए, ये रेडी हो चुका है। ये लीजिए फ्रेंड्स, एक पोटैटो करी रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।